यही पर से खींच के यहाँ घर में यहाँ से खींच के मारा है। अच्छा वहाँ पर जो है मारा, कोई उस मकई में छुपा हुआ था, कुछ उस मकई में छुपा हुआ था, कुछ यहाँ था, कुछ आदमी उधर गाछी में था, कुछ इस गाछी में था। अच्छा हम लोग शुरू से जो है एक रह करके आए और एकता हम चाह रहे हैं, और इन लोगों के हम भी समझाए परसों के रोज जो तुम लोग ये झगड़ा मत करो, लेकिन ये लोग माने नहीं। कुल कितना लोग था यहाँ पे? तो लोग दिखाई दिया, 7-8 लोग दिखाई दिया, बाकी लोग इधर उधर छुपे हुए। तो बता रहे हैं चाचा कि 60-70 लोग थे। हाँ तो बाकी लोग इधर उधर छुपे हुए थे। अच्छा मार होने के बाद बाद में सब जुटा, सब आदमी जुट गया। ये सब चीज समझौता हो चुका। भगवानपुर विसमरा और अनिछपरा तीन गाँव के लोग बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? व्यवस्था मलिक नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अरंदी छपरा। कई नंबर वार्ड में घर पड़ता है? 9 नंबर वार्ड में। और वैली 8 बजे सब सिलाई करने वाले लोग सब 7 बजे के करीब में, 8 बजे के करीब में, 9 बजे तक लोग आता है। अमीन मियाँ कहल अभी हम जाए थी नहाए तनि रहुआ रहू गछी अब तो हम अपन कहलिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन जी। बताइए रात में जो मारपीट हुआ है, 5 लोग घायल होने की बात आ रही है, कैसे कैसे क्या हुआ है पूरा बात बताइए। बात यही हुआ से हम लोग तो करबाड़ी है, पुरन छपरा रहते हैं। अच्छा 8 बजे रात को हम आए, समझे? 8 बजे रात को आए तो देख रहे हैं ऐसे यहाँ से खड़ा होकर के गाली दे रहा है। कौन लोग गाली दे रहे थे? उसका नाम है कौन चीज है वो? नाम बताइए। काली राम गाली दे रहा था। गाली देने का कारण क्या थी? कारण यही है से उस सबको लोग बोला से अब झगड़ा झंझट मत करो। सब लोग समझा दिया से तुम लोग चले जाओ। अच्छा बार बार वो कॉल जो है से सुबह से बोल रहा था से बारे बुला दिया है आप लोग, काहे बुलाया है, हम आवेदन कौन दिया है, ऐसे गाली पड़ रहा था। उसके बाद में हम लोग कुछ नहीं बोले, हाँ हूँ कुछ नहीं बोले, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, चला गया। उसके बीच में कोई हम लोग सब कोई अपना ये भी सब चला गया अपना अपना काम में, हम भी अपना काम में चले गए। शाम को आए तो देख रहे हैं से बोली गाली दे रहा है, इतना कह रहा है सर माँ औलाद सब कहाँ है, तुम निकलो घर से, निकलो नहीं तो तुम्हारा बेटी बहू के उठा लेंगे। पूरे हसड़ी इधर उधर छिपा था। अच्छा कितने लोग थे मारपीट करने आए थे? कुल कितने लोग थे? 50-60 थे। पचास से साठ थे। हाँ 3 गांव का लोग है। अच्छा जितने जो हरजन जो था चुन करके ले आया था। अच्छा 50-60 लोग मतलब आए थे मारपीट की? मारपीट यही कर रहे हैं। हाँ ठीक। अच्छा तो क्या इसके लिए प्रशासन को आवेदन, इसकी सूचना जानकारी कुछ ऐसी बात किए कि नहीं किए उसके बाद? सूचना के लिए हम कहे जो हमारे पंच जो है जीते हुए है सुरेश राम, तो सुरेश राम को कहे से भाई हमको आवेदन देना है, तो चलिए तो रात में कहे से ठीक है चलिएगा आवेदन दिया जाएगा। कल सुबह जो है से सुरेश राम आए उधर से, हम इसी जगह थे अपने दरवाजे पर, आवेदन नहीं तो नहीं अभी करने का कोई जरूरी नहीं है, हम लड़का सबको समझा दिए हैं आज से कोई एक कुछ नहीं बोलेगा, गाली गलौज नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, तो आप मत जाइए आवेदन देने। कल हम यहाँ 1 बजे तक ले आवेदन के लिए थे थाना पर जाने के लिए, लेकिन नहीं रोक दिया पंच जो है सुरेश राम, रोक दिया से नहीं आवेदन का कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में जो है हम चले गए अपना दुकान पर, दुकान पर से 8 बजे रात को आया जब तक यहाँ मामला बढ़ा हुआ था। उसके बाद में हमको लोग खींच रहा था मारने के लिए, खींच करके हमारा लिया था पहले बुढ़वा के मार तो जानी जात भाव हुआ था, हमको टान करके ले गया और ग्रिल का अंदर बंद कर दिया। उसके बाद में इधर अकेला जितने लड़का सा था सबको मार के गिरा दिया। कुल 5 लोग मतलब कि घायल होने की बात बता? हाँ हाँ पुल। ये झगड़ा का कारण मुख्य कारण क्या है अभी जो आप बोल रहे थे, ये मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है से यहाँ दारू आकर के दारू ताड़ी पीता है, गाजा पीता है, जमीन उसी का है लेकिन इधर हम लोग का है, मतलब कि रास्ता के बगल में पीता है तो आपको तकलीफ है? हाँ 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 मना करने पर मारपीट हुआ यही बात है? हाँ यही बात है।
घर में घुसता है, हम लोग सो जाते हैं तो किवाड़ी पीटता है, जंगला उठ पीटता है, किसी के साथ कोई बदतमीजी भी करता है? हाँ, बदतमीजी करता है। अच्छा, तब महिलाओं के साथ? महिलाओं के साथ। अच्छा, पर्दा उठा देता है, घर में लाइट मार करके देखता है, पानी पानी लेकर के सबका देह पर छिड़क देता है। नशे के आलम में या ऐसे? हाँ, नशे के आलम, नशे के आलम में तब आता है और पानी छिड़क देता है। हाँ, कैसे सर में चोट आई है, क्या घटना घटी है बताइए विस्तार से। सर ये चार रोज से कहानी हो रहा है कि बदमाश लोग के बुलाते हैं इधर, गांजा वजा पीते हैं जाकर के गाछी में, और उधर से आके यहाँ दारू उड़ू पीते हैं। हम लोग मना करते हैं तो कहते हैं काहे मना किया, इसलिए हम लोग मना करने के बावजूद में गए। उसके बाद में फिर कल आया लोग, पीप खा करके दिने में सेटिंग किया था आदमी उदमी के, और हम आया शाम को 9 बजे रात को, और यहाँ से गाली पढ़ने लगा। गाली पढ़ते पढ़ते हम लोग इधर से गए, काहे गाली पढ़ रहा है, जब तक हाँ सब इधर बगल में उसका पटदार का घर है, रामजी लोग है इधर भी, हथियार उथियार निकाल करके अलग अलग चलाने, हम लोग का हाथ में कुछ नहीं था। क्या था हथियार? क्या था हथियार? तलवार था, लाठी फरसा ये सब था लेकर के। अच्छा। मेरा तो किस बात को लेकर मारपीट हुई है? मारपीट का कोई कारण हुआ होगा, कोई पहले से विवाद थी या कुछ ऐसी बात थी, या कोई जमीनी मामला है, किस बात को लेकर मारपीट हुआ है? जमीन उमीन का कोई सर मामला नहीं है, वही खाली सिर्फ उधर जाता था, और उधर से आता है इसी में। एक दिन के बात है कि उधर गया गाछी में, इसी में आया मेरे कल पे गोर हाथ धोआ। उसके बाद में मेरा भैया जो तो अभी सीरियस है, वो बोले कौन है, नहीं कुछ नहीं बोला। उसके बाद में उधर पर्दा एक आदमी उधर हटा रहा था, फिर उधर से चोरी करने के लिए उधर पर्दा हटा रहा था, उधर मेरे बड़का भैया है अभी उधर सीरियस में है, वो भी चौकी पर सोए हुए हैं, वो बोले कौन है, वो सब भाग भाग चला उधर। हम लोग उधर से खरीद के तक वहाँ तक ले गए, वहाँ तक ले जाने के बाद में फिर उधर से सब अथी ले आया था, लाठी बंदूक की सब लेकर आया था, लेकिन फिर भी हम लोग प्रशासन के फोन कर दिए। मारपीट जो हुआ है प्रशासन को फोन किए थे क्या? जी 112 अच्छा, अच्छा। पर फोन किए थे, तो आ करके जी आ करके समझा उमझा कर चल गए थे, तो उसी में का एक आदमी है और सुरेश राम, वो बोले कि चलिए हम समझा उमझा देंगे, इसके बाद में कुछ नहीं होगा, समझा उमझा कर चल गए, प्रशासन भी समझा कर चल गए। उसके बावजूद भी वो पंच में है सुरेश राम। अच्छा, समझा में जीता हुआ है। जी जी, समझा के जाते हुए भी कल ये सर घटना घटी है कल शाम को। तो मारपीट जो हुआ, मतलब कि कुल कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? कुल इसमें सर 2 आदमी सीरियस में है। अच्छा, दो आदमी हम लोग सामने देख ही रहे हैं। चार लोग एक आदमी मेरे बड़का भैया वहाँ पे चौकी पर सोता है। कुल पांच लोग आप बता रहे हैं कि कुल 5 लोग घायल हुए हैं। जी, तो इस मामले को लेकर क्या थाने में कोई आवेदन वगैरह देना है, केस करना है, कुछ दिए है अब तक किया? नहीं सर, हम लोग तो अभी कोई नहीं है देखने वाला और ले जाने वाला। रेफर कितने लोग हुए हैं साहेबगंज सीएससी से? दो लोग रेफर हुए हैं। जी, और 3 लोग आप लोग इलाज करा के साहेबगंज अस्पताल से फिर घर चले हैं। जो दो लोग रेफर हुए हैं उनका क्या नाम है? अली मेहदी हसन। अच्छा, एक आदमी का हजरत नाम। जी अच्छा, उनका पिता का नाम अली हुसैन हजरत का, वो कहाँ? और मेहदी हसन का पिता का नाम हसरुद्दीन मीर। वो लोग कहाँ, आपके पटदारी में ही है? मेरे भाई है। अच्छा, भाई है, खास भाई है। जी, एक भतीजा है मेरा खास। अच्छा, ठीक।